साहब क़िबला रहमतुल्लाह का 24वां उर्स है। आपका मिसाल अब से तकरीबन 24 साल पहले हुआ था, आज उसी का ये उर्स चल रहा है। हज़रत आबिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला नियाज़िया की बहुत ज़बरदस्त खिदमत करी, पूरे दुनिया में आपने सिलसिला पहुँचाया और हम सब उनकी जितनी भी औलाद हैं, हम सात भाई हैं माशाल्लाह से, सभी सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं और सभी को बेहतरीन तालीम आला तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। हज़रत आबिद मियाँ साहब क़िबला की देखिए ये अखलाक, आपकी मोहब्बत और आपने जो तालीम पर ज़ोर दिया कि खिदमत खल्क करो, उसका ही नतीजा है कि पूरे दुनिया में आपका उर्स मनाया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से लोग आए नहीं हैं, लोगों को मना भी कर दिया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो एहतियात चल रही है, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, पाकिस्तान में, कनाडा में, अफगानिस्तान में आपके हज़ारों की तादाद में मुरीद हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हम सबको उन्होंने तालीम और खिलाफत दी कि सिलसिले की खिदमत करो, मुरीदों में जाओ, खादिम बन के जाओ, मखदूम बन के नहीं जाओ, और बेलोस खिदमत करो, आला तालीम होगी जब ही सिलसिले की खिदमत करोगे। आपकी ये हुक्म था कि इसको ज़रिया माश सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ, अगर सोर्स ऑफ इनकम बना करोगे तो तुम फलूस से किसी की खिदमत नहीं कर सकते, और बिना मजहब मिल्लत खिदमत खल्क करो। और यही है कि साहब देखिए उनका उन्हीं का दूर से हज़ारों की तादाद मिले हैं, साहबजादे अजमेर शरीफ से आए हुए हैं, शहजादा नशीन सैयद फैज़ आलम साहब तशरीफ लाए हुए हैं और तमाम गुजरात से, मध्य प्रदेश से, इसके बावजूद भी लोग आए हुए हैं। और मेरी दुआ है कि जो लोग इस उर्स में शरीक हुए हैं, अल्लाह उनकी जायज़ मुरादें पूरी करें और हमारे मुल्क में अमन शांति आए, बीमारी कोरोना वायरस जैसा मूजी मर्द हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए और यहाँ जो जिस दिल से जिस उम्मीद के साथ अपनी मुराद लेके आया उनकी पूरी हो, और ऐसे ही मोहब्बत और भाईचारा खिदमत खल्क का सिलसिला जारी रहे। आमीन।